2012 के नतीजे आपको दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के, 2014 की बढ़त भी आपको नजर आ रही है, लेकिन जैसे जैसे ये आंकड़े बदलेंगे 8 बजे के बाद, वो आंकड़े भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। और ये हमारी सबसे बड़ी स्क्रीन है, यहाँ पर आज की जितनी भी बड़ी बातें रहनी है वो सभी बड़ी बातें इस हमारी सबसे बड़ी स्क्रीन पर। देखिए, इस समय भी बीजेपी जीती तो माना जाएगा कि देश में मोदी की लहर बरकरार है, लेकिन क्या ऐसा संभव होगा अनुराग, इसके लिए हमें करना होगा थोड़ा सा इंतजार। और यहाँ पर बाकी के जो 4 राज्य हैं, यानी कि यूपी के अलावा बाकी के उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब के जो नतीजे हैं 2012 के, इस वक्त हम वो दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे 8 बजे के बाद ये नतीजे बदलेंगे, सबसे पहले हमारी स्क्रीन पर होगा। और यहाँ पर ये खास तैयारी, ट्विटर ट्वीट जो करेंगे हमारे दर्शक, उनका ट्वीट हम अपनी इस बड़ी स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो ये हमारी खास तैयारी है जिसके लिए एबीपी न्यूज ने कर रखा है खास इंतजाम। बिल्कुल, बड़ी खबरें, 2012-2014 के नतीजे, सबसे पहला रुझान, सबसे बड़ी बातें, यहां पर पंजाब के नतीजे, मणिपुर के नतीजे, इसके अलावा यहां पर सोशल नेटवर्किंग का हमने ख्याल रखा है। आइए सीधे नेहा के पास चलते हैं, नेहा काउंटिंग सेंटर में है, नेहा हमें बताएंगी, नेहा क्या इंतजाम है आपके पास, किस तरीके से आप बताएंगी नतीजे। अनुराग, एबीपी न्यूज ने सबसे सटीक और विश्वसनीय नतीजे बताने के लिए खास इंतजाम किया है। इस बार आपके लिए हमने बनाया है काउंटिंग सेंटर, ये है हमारा काउंटिंग सेंटर और इस पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के सभी, उत्तर प्रदेश के जितने भी इलाके हैं सबकी जिलेवार, एक एक जिले की हर सीट का हाल हम आपको बताएंगे, कौन किस सीट पर आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, पंजाब के तीनों इलाकों की एक एक सीट का हाल। और सबसे बड़ी बात, यहां पर तमाम हमारे मेहमान होंगे और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इसे जरा गौर से देखते रहिएगा, उत्तर प्रदेश की 75 जिले इस पर मौजूद हैं, 403 सीटों में से एक एक सीट, एक एक विधानसभा इस वॉल पर आप देख रहे हैं। अब बड़ी बात क्या है, जो जिस पार्टी पर जो जीत दर्ज करती जाएगी हर सीट पर, हर सीट उस पार्टी के रंग में रंगती जाएगी, जो पार्टी जिस सीट पर अपना परचम लहराएगी।